इन्होंने इनसे निवेदन मंच में आवे मनरूप सिंह जी खरवड़ साहब काकरवा और शंकर सिंह जी सदाना सतलेवा सिसोदा बिल्कुल ये हमारे जल व्यवस्थापक एक बार जोरदार तो शंकर सिंह जी अपने दोनों वाले उनसे निवेदन है कि ने मंच में आवे शंकर सिंह जी दोनों वाले उनकी तरफ से पानी आपके पीने के लिए अतिशय उत्तम शीतल पानी की व्यवस्था इन लाभार्थियों की तरफ से दी गई है। इसलिए हम हल्दीघाटी राजपूत समाज के सभी पदाधिकारियों ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं कि आपने हमारा आपने अपना कमाया हुआ पैसा लोगों के हित में लगाया, आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही पूरे भारतवर्ष में जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और सारे युवा ने देखा कि अपन घर पे बैठते भी यूट्यूब पर फोन पर देख रहे थे, उसके लाभार्थी खेम सिंह जी उठन सगुड़ वाले मलाड़ वाले खेम सिंह जी उठन सगुड़ वाले और प्रेम सिंह जी सदाराम बोखड़ा आप यूट्यूब पर जो डायरेक्ट देख रहे थे, डिजिटल का जमाना है और डिजिटल के जमाने में खेम इन्होंने खेम सिंह जी उठर सगुण और प्रेम सिंह जी सदाना मोखड़ा आवे निवेदन है उनसे आवे साफा और मोमेंटो देकर इनका स्वागत करें। समू सिंह जी इनका स्वागत कराइए, इन्होंने पूरे देश में यूट्यूबर का लाभार्थी है ये, इनके लिए ताले बजाने चाहिए आपको जो एक बार जोरदार पूरे देश ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में अपने दानदाताओं ने खुल के दान दिया है पहला बोल रहा। इसके बाद में बॉल स्पॉन्सर मोहन सिंह जी दसाड़ा अटुरमा मलाड़, बॉलर स्पॉन्सर मोहन सिंह जी दसाड़ा अटुरमा मलाड़, शरण रमेश सिंह जी और चमन सिंह जी दसाड़ा, उनसे निवेदन है कि ये बॉल स्पॉन्सर है, इनका स्वागत किया जाए। हाँ चलिए पधारिए मोहन साहब पधारिए, इनको साफा और मोमेंटो देके इनका स्वागत किया जाए। बॉल स्पॉन्सर इसी स्वागत की कड़ी में, अच्छा इनका मोहन सिंह जी का बाकी है। फोटोग्राफर प्लीज समय का थोड़ा ध्यान रखिए, एक दो पोज में ही निपटा दीजिए, है ना, वो शादी जितने में तो बहुत समय लगेगा। बिल्कुल हाँ, नेक्स्ट स्वागत की कड़ी में स्पॉन्सर में बॉल स्पॉन्सर मोहन सिंह जी दसाना अटुरमा मलाड़ और चरण रमेश सिंह जी चमन सिंह जी दसाना, उनसे उनका भी साफा और ममता देकर उनका स्वागत करें। समू सिंह जी दसाना और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इनका साफा और मोमेंटो देकर स्वागत किया जाए। ये सभी भामाशाह है और यहाँ पे लगने वाली सामग्री के दानदाता है, इनका मन पूर्वक हल्दीघाटी राजपूत समाज खूब खूब आभार व्यक्त करती है और खूब खूब इनको लक्ष्मी बरसे ऐसा लक्ष्मी माता से प्रार्थना करती है। बिल्कुल शंभू सिंह जी, इन्होंने जब धन लक्ष्मी का सदुपयोग किया तब जाकर ये मेला मना, ये टूर्नामेंट हुआ। माँ भगवती से भगवान एकलिंगनाथ जी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके धंधे में, इनके व्यापार में, इनके नौकरी में दिन दुगनी और रात चौगुनी हो। बहुत बहुत साथ ही क्रम में आप जितने खिलाड़ी खेल रहे थे तो आपकी जो तस्वीरें हैं वो देश देश में जा रही थी, दुनिया के हर कोने में लगभग आपका एक राजपूत देखा गया। इसके लिए बढ़िया जो फोटोग्राफी की, मैं वो फोटोग्राफी के स्पॉन्सर श्रीमान विशन सिंह जी खरवड़ साहब बोरी वासा वाले से निवेदन करूंगा कि मंच पर बता रहे ये फोटोग्राफी के स्पॉन्सर है श्रीमान बोरी वाले विशन सिंह से निवेदन करूंगा। समू सिंह जी इनका स्वागत और अभिनंदन, भवन सिंह जी आप स्वागत और अभिनंदन करा रहे हैं श्रीमान विशन सिंह जी का। एम्पायर बालू सिंह जी कहाँ है, ये क्या बताइए मेरे को, ये एम्पायर है तरुण जी, तरुण जी बहुत बड़े चार। इसके स्वागत की कड़ी में जितने
अपने खिलाड़ी खेल रहे थे उनको न्यायप्रिय न्याय देने के लिए एम्पायर जो अपने बीच में चार दिन तक अथक सेवा दी उन्होंने श्रीमान अरुण जी अंबेडकर साहब, रौनक जी जोशी, अनिल जी नायक और गणेश मात्र साहब से निवेदन करूंगा कि वे चारों भाई मंच पर आ गए। आपने निष्पक्ष खिलाड़ियों के पक्ष में आपने मनोबल बढ़ाया है, कहाँ है? बिल्कुल चारों निर्णायक की जो भूमिका, चारों एम्पायर से निवेदन है कि मंच पर आ रहे। एम्पायर सर आइए फटाफट। हाँ बिल्कुल सर पधारिए। हाँ वो सर बालू आपने हटाओ ना, जरूरत नहीं पर आप पधारो मत, आप कहीं मैं आप कहीं काम हो भले आपने मतलब लादे ही नहीं आपने ऊपर पधारो। एम्पायर के लिए इनको मोमेंटो या जो अपनी व्यवस्था हो जैसी भी हल्दीघाटी राजपूत समाज के सदस्यों ने निवेदन है कि इन एम्पायर के लिए थोड़े एम्पायर जी प्लीज आगे चलिए ताकि पीछे का बेस अच्छा आवे और अच्छा मैसेज आवे। आपने अथक प्रयास किया है चार दिन तक और निष्प्रिय निष्पक्ष भाव से खिलाड़ियों को न्याय देने का काम किया है, इसके लिए हल्दीघाटी राजपूत समाज आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती है। बिल्कुल हमारे एम्पायर सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि मेरा देश आजाद हुआ है वंदे मातरम के नारों से, मेरा देश आजाद हुआ है वंदे मातरम के नारों से। अरे आजादी मिली है उन वीर शहीदों से, अरे कह दो उन देश तो ही और गद्दारों को अपनी औकात में रहे वरना हर बात होगी राणा प्रताप के तलवारों से, राणा प्रताप के तलवारों से। जय जय श्री राम। सभी चारों एम्पायर का स्वागत होता हुआ लीजिएगा शंभु सिंह जी अगली कड़ी में, स्वागत की कड़ी में। अभी इसके बीच में कटो खेल मंत्रालय, इसके बीच में आप सबका मनोरंजन हेतु मैं अभी आपको इस भव्य टूर्नामेंट की मुख्य कड़ी जिन्होंने कड़ी बिठाई दिन रात कम से कम दो महीना मेहनत की ऐसे खेल मंत्रालय जो हल्दीघाटी राजपूत समाज ने जो खेल मंत्रालय तय किया वैसे मैं हल्दीघाटी राजपूत खेल मंत्रालय के आठों रत्न है मैं उनका नाम करूंगा कि वो आवे उनके लिए जोरदार तालियों खेल मंत्रालय के लिए। मैं निवेदन करूंगा हल्दीघाटी राजपूत खेल समाज के श्रीमान शंभु सिंह जी राजपूत जो प्रचार मंत्री भी है और खेल मंत्रालय का काम भी संभाला है श्री शंभु सिंह जी सनोदा राजपूत, तत्पश्चात निर्मल सिंह जी उठड़ कड़िया भाईंदर उनसे निवेदन करूंगा वे भी मंच पर बता रहे हैं, श्रीमान किशन सिंह जी खरवड़ जिनवाड़ा मारना युवा परिषद के संस्थापक भी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर बता रहे हैं, श्रीमान मान सिंह जी चताना गांव बुढ़ा गोरेगांव वे भी मंच पर बता रहे हैं। तो उसके बाद में इसी कड़ी में भगवत सिंह जी श्यामा भाईंदर उठड़ उनसे निवेदन है कि एक भी आप आठ जो खेल मंत्रालय है आपके आप जैसे जैसे नाम लोग तुरंत आ रहे थे, आप ऊर्जावान है दो महीने से काम कर रहे हैं और अंधेरे में नहीं हो रहे इसके लिए, तत्पश्चात है हेमेंद्र सिंह जी तारोट मलोड और सोहन सिंह जी राजपूत पालकर और बालू सिंह जी खरवड़ मीरा रोड मोरना सरकार वे भी आ गए, किशन सिंह जी ये नहीं वो जिलोड़ा वाले देखे ऑटो एक साथ खड़े हो जाइए खेल मंत्रालय के मुख्य रीढ़ की हड्डी है किशन सिंह जी झिलवाड़ा माना युवा परिषद के संस्थापक, हेलो अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है कहीं किशन सिंह जी झिलवाड़ा कहीं है फोन लगाओ उनको। बिल्कुल ये हमारे ऑटो खेल मंत्रालय देखो काकोसा ऐसा आयोजन जब कराना पड़ता है ना तो अपना चार दिन क्या दस दिन के लिए धंधा नौकरी सब छोड़ के यहाँ पर दौड़ना पड़ता है, एक बार जोरदार ताली बजाइए इन ऑटो खेल मंत्रालय के हमारे मेंबर के लिए जिसमें हमारे शंभु सिंह जी और हमारे निर्मल सिंह जी किशन सिंह जी
मान सिंह जी, बालू सिंह जी, सोहन सिंह जी, हेम सिंह जी और भगवत सिंह जी, इन्होंने बहुत मेहनत की तब जाकर आज ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। और मैं तो क्या जाना का सभी युवा है। और बात करूं निर्मल सिंह जी की, जो इन्होंने फर्स्ट टूर्नामेंट से इस HRPL का आगाज किया था और काफी एक्टिव है, एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाओ। किशन सिंह जी जी बहुत धन्यवाद, इन्होंने 2 महीना अथक मेहनत करके इस पूरे आयोजन को अंतिम रूप दिया। 4 दिन तक अथक खड़े रहे और सारी व्यवस्था दिन रात आपके लिए लगी रही। इसके लिए इनका हल्दीघाटी राजपूत सभा सारे युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करता है। एक मेंबर साथ किशन जी कई काम से चले गए हैं, उनके साथी को किशन सिंह जी का साथी कोई जोरदार हो। किशन सिंह जी खरवट झीलवाड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। भरत सिंह राजपुरोहित आपका और ये इनका भानु जी का साथ रहते हैं। पहले भानु भाई रुक रहा हूँ, एक मिनट अबे हालो मुझे हेलो। अरे ओके हो गया, अभी देखो आप पीछे मत गिरना, इधर रहो भानु भाई पहले। बोल चार भुजा नाथ की जय हो, जय हो। इसके बीच में आप रोज जो पत्रकारिता में आप रोज YouTube पर या पेपरों में जो पढ़ रहे हैं, वैसे हमारे प्रिय भानु प्रजापति का भी स्वागत और अभिनंदन, आइए उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भानु प्रजापत और भरत जी राजपुरोहित जो आपके बीच में सरस्वती माता का पुत्र है, ये भी इनके गले में भी आवाज है। पहले भानु प्रजापत जी का हर समय इनका यूट्यूब पर और पत्रकारिता में अपने संस्था को हमेशा प्रसारित करते रहते हैं। पत्रकार भानु कुमार प्रजापत जी का स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल, हमारे मीडिया प्रभारी भानु प्रजापति का स्वागत है। एक बार दिल खोल ले ताली बजाओ सा। इतने जितने भी ये आप फोटो के एड देख रहे हो, ये फ्लैश बने हैं, ये पूरा काम हमारे मित्र भानु प्रजापति ने किया। एक बार दिल खोल ले ताली जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी 4 दिन से भानु जी इस राजपूत समाज के मंच पर सेवा दी, ये राजपूत समाज आपका ऋणी रहेगा, आपका आभार करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में अपने बीच में पंडित सरस्वती पुत्र भानु कुमार जी राजपुरोहित जो भरत सिंह जी राजपुरोहित जो हर साल अपने सेवा देने आते हैं, मैं भविष्य से इनसे निवेदन करूंगा कि आपकी सेवा देते हैं, इनका भी बहुमान किया जाए। हाँ, अभी खाने वाले मेरा महिंदर टीम, अब खाने वाले बाकी कमेटी मेंबर, मतलब हम तो हाल कटे हुए, मतलब बुलाए तो सबने, श्रीमान उद्योगपति रमेश सिंह जी दसाना साहब का मंच पे पधारे अंटालिया, पहले भी 2 बार नाम पुकारा, वो पधारे में कहाँ पे, अगर मेरी आवाज जाती हो श्रीमान रमेश सिंह जी दसाना अंटालिया हो गया। मेरा भाईंदर टीम बोलेगा, कौन सी टीम? अब मेरा भाईंदर अब क्या करना है? भोजन वाले फोटोग्राफर का होगा, फोटो
बिल्कुल आरिफ भाई, बिल्कुल हमारे बीच में चार दिन से आपने जो तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे थे, चाहे वो तस्वीर अपन 10 साल के बाद में भी अपने बच्चे देखेंगे ना तो बोलेंगे कि वाह वाह मेरे काको साहब, मेरे पप्पा भी यहाँ पे बॉम्बे में खेल रहे थे। ऐसे तस्वीर कैद करने वाले हमारे आरिफ भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। वाह साहब पधारिए आरिफ भाई, ये राजपूत समाज आपका दुपट्टा, ये भगवा दुपट्टा जो हमारे राजस्थान की आन मान शान भगवान रामचंद्र की जी जो प्रतीक है उससे सम्मान हो रहे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इस चार दिन के सुनहरे पल में राजपूत समाज और पूरे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप का सहयोग दिया, बहुत 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 धन्यवाद। मेरा बाइंडर राजपूत समाज की टीम से निवेदन है कि वे मंच पे पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरा बाइंडर राजपूत समाज अगर तुरंत पधारे, क्योंकि समय कम है, आपको अंधेरे में नहीं जाना है, इसके इसके साथ में ही आपके लिए राजपूत समाज की टीम आई है। जब तक मैं आमंत्रित करता हूं आपके लिए सुंदर और भोजन जिसने बनाया है, टेंट की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था जिसने की, उनसे निवेदन है कि नरेंद्र जी और किशोर सिंह जी वे भी मंच पे पधारे, जिन्होंने चार दिन तक अपने बीच में भोजन की व्यवस्था रखी, आपके लिए सुंदर और अच्छे पकवान बनाए, उनका भी हल्दी घाटी राजपूत समाज स्वागत और अभिनंदन करती है। दो बार क्यों नहीं आ रहे रमेश सिंह जी दसाना अंतरा उद्योगपति, अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो मेरी मन से बता रहे रमेश सिंह जी दसाना भोजन तो नहीं है क्या? अच्छा फोन करना, हाँ भोजन भरा भोजन कटा है। अच्छा विजय सिंह जी, विजय सिंह जी जालो की बतार गांव से आए, इनका भी स्वागत किया जाए। खमान सिंह जी मोखाड़ा वे भी मंच पे बता रहे, खमान सिंह जी मोखाड़ा भोजन लाभार्थी नरेंद्र जी और किशोर सिंह जी से निवेदन है कि वे मंच पे बजा रहे। चलो बड़ा राज इधर आ गलो कैटरर्स वाले, भोजन लाभार्थी। अच्छा भोजन लाभार्थी लिस्ट का है? बिल्कुल, भोजन लाभार्थी में कुछ 40-45 नाम थे सर, वो पड़ी है पूरी। बिल्कुल जय जय श्री राम। आवाज क्यों नहीं आ रही? थाका भोजन बन रही हो सा तो फिर एनर्जी आ जाएगा। जय जय श्री राम, बोलिए क्लिंगनर भगवान की, बोलिए अमजमात की, बोलिए चार भुजानाथ की, बोलिए सारी सेठ की। बहुत बहुत धन्यवाद, जीवता रे जो जग में, आप रे कोटोनी भागे पग में। बिल्कुल पधारिए सर फटाफट, नाम लो जो फोन पे बात भी करो, मेरा फोन अलग से बिल्कुल कैटर्स व्यवस्थापक का लाइट की व्यवस्था करावे मंच पर, कैटर्स व्यवस्थापक लाइटमैन लाइट की व्यवस्था करावे मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वागत का अंतिम चरण है, इसके बाद विजेता उपविजेता को टोपी का आवंटन किया जाएगा। इसके पहले एक मुख्य कड़ी है, इस चारों दिन के लिए जो भोजन के लाभार्थी हैं, मैं क्रमशः एक ही बार एक व्यक्ति का नाम लूंगा, उनसे निवेदन है अगर वो यहाँ मौजूद है तो वो मंच पर पधार जावे, नहीं तो क्या बाद में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आप ध्यान से सुने, जो भोजन के लाभार्थी हैं वो नजदीक आ जाओ, उनको पता है कि मैंने पैसा दिया है, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, क्रमशः बाकी मंच खाली कर दे, प्लीज मंच खाली कर दे। मैं भोजन के लाभार्थी का एक ही बार नाम लूंगा और आपको मंच पर आना है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। भोजन के लाभार्थी में 5100 रुपया गोपाल सिंह जी फरारा, 5100 रुपया रमेश सिंह जी अंतलिया, और उससे पहले
उससे पहले हमारे झीलवाड़ा मानतागुड़ा राजपुर समाज के माजी अध्यक्ष श्रीमान भोलू सिंह जी परमार सागरे के पागल का 11,000 रुपया है। हाँ, भोजन के लाभार्थी जिन्होंने भोजन के लिए मैं हाँ हो रहा है बेरू सिंह जी परमार सागर की बगल गोपाल सिंह जी फरारा रमेश सिंह जी अंतरिया शंभू सिंह जी झूड़ किशन सिंह जी परमार फतेहपुर भीम सिंह जी सगरूण हीरा सिंह जी मोलेरा और एक जीएम टीम है उन टीम के नाम बोल रहा हूँ उसमें 5 जन है हीरा सिंह जी छतरा घावगुड़ा गोरेगांव लाल सिंह जी परमार घावगुड़ा गोरेगांव बबर सिंह जी राजपूत सेमा गोरेगांव हिम सिंह जी छतरा घावगुड़ा गोरेगांव और राजू सिंह जी छतरा मंदार गोरेगांव ये जीएम टीम की तरफ से है ये ऊपर बता रहे आप स्वागत और इनका मोमेंटो दे और क्रमश करते रहे क्योंकि बहुत लंबी टीम है कुक सिंह साहब से और सुर सिंह साहब से निवेदन है कि भामाशाह है इनका जैसे जैसे आगे क्रम से स्वागत करते रहे मांगू सिंह जी उठड़ सगरूण केसर सिंह जी थाना शंकर सिंह जी परमार वरवाड़ा नवल सिंह जी धोन मलाड़ हाँ जेएमएस टाइगर आया ना जेएमएस टाइगर 5 जन नाम बोले ना साहब आपको जेएमएस टाइगर हीरा सिंह जी लाल सिंह जी भमर सिंह जी एम सिंह जी और राजू सिंह जी नवल सिंह जी धोरण हीरा सिंह जी मलाड़ परमार अरविंद सिंह जी चतना पप्पू सिंह जी थाना सिसोदा लाल सिंह जी चतना खेड़ा सोहन सिंह जी परमार गांधी मल्ली देवी सिंह जी कलुजा सोहन सिंह जी मलोड़ हीरा सिंह जी चतना जीवन सिंह जी अचुणमत हीरा सिंह जी खरवाड़ अमेरीपाल थाना कालो सिंह जी करड़ा अंधेरी कालो सिंह जी पीपलाड़ वाल सिंह जी पूना खेम सिंह जी कांदीवली पवन सिंह जी एम सिंह जी पूना सगरोण हीरा सिंह जी फूल सिंह जी पड़ासली प्रताप सिंह जी भीम सिंह जी मलोड़ कृष्ण सिंह जी उठड़ पूना अध्यक्ष पुणे राजपूत समाज मगन सिंह जी परमार गोरेगांव हाँ आया ना साहब पधारो जिनका नाम मैं एक ही बार लूंगा प्लीज मेरी आवाज सुनकर ऊपर आ जावे मगन सिंह जी परमार गोरेगांव देवी सिंह जी खीम सिंह जी रोज का गुड़ा रोड का गुड़ा रोज का गुड़ा हीरा सिंह जी पहले नाम आया क्या हीरा सिंह जी फूल सिंह जी पड़ास ली वो नहीं हीरा सिंह जी परमार मलाड नाम नहीं नाम बोलो ना हीरा हीरा रुपटे हां तो और नाम बाकी इसमें आगे आएगा ना सर सीरियल में आप देखते रहो हम सभी हमारे भोजन व्यवस्था में सहयोगी देवी सिंह जी राजपूत जी बोलेला जवान सिंह जी दशरथ पालकर नारायण सिंह जी अंटालिया अटाटिया छतर सिंह जी खरवड़ अटुडुम्बा राम सिंह जी चतारा खदमाल लक्ष्मण सिंह जी हाँ सदाना खदमाल कालू सिंह जी परमार शंकर सिंह जी हीरा सिंह जी सेमा लाल सिंह जी सेमा दाऊ सिंह जी सुकार मान वर्दी सिंह जी खरवड़ पूर्व कमेटी मेंबर हल्दी घाटी राजपुर समाज जय सिंह जी रमेश सिंह जी चंदाना दहसर महाराणा चैन भोलू सिंह जी दसाना दल सिंह जी दसाना भाईंदर हीरा सिंह जी परमार भाईंदर मलाड हीरा सिंह जी हीरा सिंह जी परमार मलाड रणजीत सिंह जी खरमर साया का खड़ा भाईंदर दारू सिंह जी परमार उसर किशन सिंह जी उसर और श्रीमान अपने उद्योगपति कुक सिंह जी गौड़ साहब पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा श्रीमान किशन सिंह जी पुणे गोल्डन बाबा ये सारे भोजन के लाभार्थी हैं।
इस चार दिन का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन इन्होंने इन्होंने सबने अपना योगदान दिया है भोजन के लिए। जितने भी नाम लिया है एक तो सगन सिंह जी गामा और जल्दी करावे क्रमशः इसके पश्चात सापो एक दुपट्टो है दुपट्टो बस सदाना बिल्कुल जिनका स्वागत हो गया वो एक बार मंच खाली कर दे। ये थे हमारे सभी का अगर कोई सदस्य खड़े हैं तो मंच पधार जावे। भवर सिंह जी उठ सगुर स्वागत की कड़ी में ममसा भवर सिंह जी मोकड़ा साहब जी बुलाओ ना यार अब मैं निवेदन करूंगा सगन सिंह जी परमार साहब कावा ये अपने अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं उनसे निवेदन करूंगा प्लीज सगसा आप मंच पे पधारे। साथ में केसर सिंह जी सगरूर हो गया ठीक है ओके ओके हीरा सिंह जी को हो गया बिल्कुल सगन सिंह जी का स्वागत करें हमारे समाज के भामाशाह है युवा है और सभी को साथ में लेकर चलने वाले और सागर भाई कौमा के स्पॉन्सर टीम स्पॉन्सर भी है बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन लाभार्थी कोई बाकी रह गया है तो हमें निसंदेह बताइए मैंने लिस्ट में नाम एक से एक बार ही निमंत्रण किया फिर भी अगर कोई बाकी रह गया है तो आप निसंदेह बता दीजिए भोजन के लाभार्थी। शंकर सिंह जी स्वागत करो फिर ये सगन सिंह जी परमार कामा वाले इन्होंने निमंत्रण भी दिया है
इन्होंने बेलजीवासी की प्राण प्रतिष्ठा है नंगा वो नंगार खाने की प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण दिया है। चरण भैरू सिंह जी, देवी सिंह जी, किशोर सिंह जी, कालू सिंह जी, सुरेश सिंह जी और ईशान सिंह जी, राजवीर सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी, फोटोग्राफर आंख एवं आरिफ भाई परमार परिवार कामा, फोटोग्राफर फोटोग्राफर ओ आरिफ भाई परमार परिवार कामा, इन्होंने हमेशा योगदान देते रहते हैं। और सुरेश सिंह जी अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में उपाध्यक्ष भी हैं, श्रीमान सगन सिंह जी परमार साहब कामा, इनका टीम के स्पॉन्सर बता दो। टीम स्पॉन्सर एक सूचना और है, दो नाम, एक तो हीरा सिंह जी चेताना और जालो की मदार और हीरा सिंह जी कोषाध्यक्ष। क्या नाम बोलो? जालो की मदार वाले हीरा सिंह जी चेताना, जालो की मदार वाले बराबर, शंकर सिंह साहब धोरण, शंकर सिंह जी धोरण जनवरी मार्केट में सिल्वर आर्ट वाले, उनसे भी निवेदन है प्लीज मंच पे आइए। और एक सूचना और है, एक सूचना है कि आगामी 10/2 को एक बाबा रामदेव पीर की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, वो रात्रि जागरण 10 तारीख को है और मूर्ति स्थापना 11/2 को है। तो समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है कि वे ज्यादा से ज्यादा इसका भी लाभ लें, इसका भी फायदा उठावे। शंकर सिंह जी पधारिए, आपने दुपट्टा और स्वागत अभी इसके बाद सभी टीम जूम करके दो थोड़ा। अभी मैं नाम लूंगा सभी टीम स्पॉन्सर का, जैसे जैसे मैं नाम लूंगा आप पदार्थ जावे। सर्वप्रथम दानू पेंथर श्रीमान शंकर सिंह जी चंदाना दानू, उसके बाद में पुणे रॉयल स्पॉन्सर बाल सिंह जी खरवड़ साहब, पूर्व मेवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष भी रहे हुए। इसके बाद में ठाणे वारियर्स श्रीमान हीरा सिंह जी खरवड़ करूजा और श्रीमान केसर सिंह जी, देवी सिंह जी उठर सिरोड़ी की भागल, मुंबा देवी टाइगर धोरण स्पॉन्सर श्रीमान शंकर सिंह जी, अभी स्वागत हो रहा है इनका, शंकर सिंह जी धोरण इनका ज्वेलरी बाजार में चांदी का व्यवसाय है। और हरिओम ग्रुप उरण स्पॉन्सर मोटा सिंह जी दसाना एवं उनके सह पार्टनर श्रीमान देवी सिंह जी चदाना ओलादर। तत्पश्चात सागर बाय कामा श्रीमान सगन सिंह जी परमार कामा नाला सोपारा, मोलेला टाइगर स्पॉन्सर श्रीमान राय सिंह जी खेम सिंह जी मोलेला, टाटोल टाइगर श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी टाटोल, हिम्मत सिंह जी खरवड़ टाटोल, कोमलगढ़ किंग स्पॉन्सर सगन सिंह जी खरवड़ केलवाड़ा, शंभु सिंह जी दसाड़ा ओलादर। आप जैसे जैसे नाम है प्लीज मंच पे आते जाइए। इसके बाद में अभी जो BMW जो आपने जमेला देखा बहुत बड़ा उत्साह के साथ, श्रीमान भवन सिंह जी बहादुर का बुरा दर्शन वाले, उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पे बता रहे श्रीमान भवन सिंह जी BMW। उसके बाद चैलेंजर ऑफ द चैलेंजर क्लब तारोट स्पॉन्सर श्रीमान अमर सिंह जी, केसर सिंह जी खरवड़, हेमेंद्र सिंह जी, शंकर सिंह जी खरवड़ तारोट, रॉयल राजपूत मलोन स्पॉन्सर रॉयल राजपूत मलोन ग्रुप, GMS टाइगर स्टील स्पॉन्सर गोरेगांव ग्रुप, मोरना सरकार श्रीमान सोन सिंह जी चदाना मोरना नाला सोपारा, नाडा रॉयल स्पॉन्सर श्रीमान लेरी सिंह जी खरवड़ नाडा। इसके बाद में राजसमंद रॉयल्स स्पॉन्सर फतेह सिंह जी नरपत सिंह जी खरवड़ परासली मेर, मोरना सरकार में सोन सिंह जी के भाई अगर प्रकाश सिंह जी आए तो वे पधार जावे, लाला 11 स्टार स्पॉन्सर श्रीमान करण सिंह जी मोखाड़ा, लाल सिंह जी गांवगुड़ा, दक्षिण 11 सुखार स्पॉन्सर श्रीमान डालू सिंह जी सुखार, टाटोल रॉयल श्रीमान देवी सिंह जी खरवड़ टाटोल,
रॉयल किंग लोर श्रीमान महेंद्र सिंह जी परमार, ये सारे 20 टीमों के स्पॉन्सर हैं। आप सभी युवा साथियों को हल्दी घाटी राजपूत समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामना देते हैं कि आपने अथक प्रयास से 20 टीमों को यहाँ अपना प्रतिभा, अपनी क्षमता और अपनी ताकत दिखाने के लिए आपने मैदान में जो लड़े, मैंने पहले भी कहा था कि जीत उनकी हुई है जो हार से डट के लड़ा है, जीत की हुई है जो हार से डट के लड़ा है। क्या जस में, क्या अब जस में, क्या मान में, क्या अपमान में, क्या हार में और क्या जीत में, जहां जो मिला सो ले लिया बस थोड़ी सी प्रीत में। मेरे भाई सरस्वती पुत्र मनीष जी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा मनीष जी, हेलो भरत जी, भरत जी राजभवन से निवेदन करता हूं कि वे मंच का संचालन करें। बिल्कुल, ये सभी हमारे टीम स्पॉन्सर, एक बार जोरदार ताली बजाओ टीम स्पॉन्सर वास्ते। वाह सावा, इन्होंने सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, अपनी धन लक्ष्मी का सदुपयोग किया, तब जाकर वो सभी टीमें बनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, माँ भगवती से, माँ लक्ष्मी से यही कामना करता हूँ कि आपके धंधे में, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में दिन दुगनी और रात चौगनी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और इंदी समाज के लिए आप आगे आते रहे हो और अपने धन का सदुपयोग करते रहे हो और समाज के युवाओं को एक मंच पर लाने का काम किया। आप सभी टीम स्पॉन्सर को बहुत 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 धन्यवाद। अबे बाकी है ना, बिल्कुल लाइन से आइए, तब जाकर इन सभी भामाशाह के लिए कहना चाह रहा हूँ, किसी ने इस प्रतियोगिता को सफल बना ले के तन से सहयोग दिया, किसी ने मन से दिया, किसी ने धन से दिया, तब जाकर बादशाह कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे सभी प्रतिभावान छात्र थे, इन्होंने मेहनत करके 4 दिन तक अथक मेहनत से, ये सभी टीम स्पॉन्सर हैं जिन्होंने जो टीम परचेज के लिए कुछ राशि होती है वो राशि पे करके वो टीम के ओनर बने हैं। ऐसे 200 टीम ओनर को बहुत क्या बात है, 31,000 की जो पेमेंट राशि देके हर टीम के स्पॉन्सर बने, हर टीम के कोच बने हैं, मैनेजमेंट बने। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, इसकी क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, अरे जिंदगी का श्वास की वो आकर शाम आ जाए, अरे हम तो ढूंढते हैं वो वक्त कि मेरी जिंदगी राजपूत समाज के काम आ जाए, राजपूत समाज के काम आ जाए। लीजिएगा सुमो सिंह जी भाई साहब, इसी क्रम में मैं महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह भाषा बोरी एक प्रतिभावान छात्र है, उनसे निवेदन कर रहा हूं मंच पर आए मुंबई देवी टाइगर शंकर सिंह जी की तरफ से पारितोषित दिया जा रहा है उनको 1100 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए उसके लिए। तत्पश्चात अभी में ये समापन जो आज 4 दिन से रेगुलर चालू है, इस समापन के लिए, हाँ स्पॉन्सर दो, इस समापन के लिए अपने बीच में बहुत ही मीठे मेहमान और बहुत ही सरल और स्वभाव के धनी उद्योगपति आदरणीय श्रीमान सूरज सिंह जी दशहरा साहब से निवेदन करता हूं कि वे आवे समाज के बारे में और इस प्रतिभावान छात्रों के बारे में, अपनी ऊर्जावान छात्रों के बारे में, भविष्य में खेल के बारे में आप अपने उद्बोधन दें ताकि अपने समाज का भविष्य उज्जवल हो। अपने जो खिलाड़ी हैं, युवा साथी जो खेल के प्रति अपना उत्साह रखते हैं, टाटोल रॉयल श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी, श्रीमान देवी सिंह जी टाटोल रॉयल, नाम तो मैंने बिल्कुल कहा है फिर भी बोलते हैं। BMW वंशा हमारे कभी कितनी बार जो है वंशा, आप बहुत बधाई के पात्र हो। BMW टीम स्पॉन्सर, मैंने सबके नाम लिए हैं और फिर भी आप खुद आ जाओ ना, आपका घर का काम है, क्या नाम लेने की जरूरत है, आपको पता है मैं टीम का स्पॉन्सर हूँ। प्लीज कम टू मंच, आपका मंच है ये।
किसी को किसी से कई शर्म करने की जरूरत नहीं, अपना घर है। अगर कोई रह गया है किसी काम से स्पॉन्सर में नाम ले लेने देने में, तो आप सोते ही चल के आइए, ये आपका काम है ना। नाम लेने का क्या कोई हो सकता है, 20 में से कोई नाम छूट तो नहीं गया, पर समझने में कंफ्यूज हो गया हो। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 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 राघवन, आपको बधाई। हाँ देवी सिंह जी, भमसा को तो खूब बधाई, मजा ले लिया। बिल्कुल सर, ये जीत की मुस्कान है भमसा के चेहरे पे, और होनी चाहिए साहब, क्योंकि चमचमाती हुई ट्रॉफी मिल रही है। और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रही है, भोजन करके ये पंडाल ये मैदान छोड़े। धन्यवाद। अभी तुरंत दो अभिभाषण के बाद में अपन ये ट्रॉफी वितरण करने वाले, कोई आगे पीछे नहीं होंगे। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ, टीम स्पॉन्सर ही कोई रह गया हो अगर तो आप आइए, आपका घर का काम है। और अगर बाई चांस किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो तो श्रीमान निर्मल सिंह जी से संपर्क करें। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ अपने उद्योगपति श्रीमान सूरज सिंह जी दसाना साहब से कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान सूरज सिंह जी दसाना साहब हाल में ही मोदी के साथ आए हैं, एक बार जोरदार तालियां सूरज सिंह जी के लिए। भारत माता की जय श्री राम। महेंद्र सिंह जी मुंबई देवी टाइगर, इनको शंकर सिंह जी सिल्वर आर्ट की तरफ से 1100 रुपए का पारितोषित वितरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े खिलाड़ी है, ऊर्जावान है, इसके लिए बधाई। एक ओवर में 12 रन बनाए इन्होंने, जोरदार इनके लिए तालियां। प्रतिभा जिनकी निखरती है उनको लाभार्थी है। मैं समय नहीं कमाते हुए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सूरज सिंह दसाना साहब को भी उद्बोधन में अपना। आज बड़ा गर्व का दिन है कि हल्दीघाटी जो हमारा समाज का जो 20-25-30 साल से जो हम लोग जो काम कर रहे थे, मैं भी यही रहता था और अभी भी, उन सब दानदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें हमारे कुक सिंह जी जो पुना से बजा रहे हैं, ये भी यहाँ विराजमान है। और हर जगह हमारे उदयपुर में भी ये क्रिकेट सामना होता है, और यहाँ पुना सूरत सभी जगह, और हमारे जो समाज के बंधु जहाँ भी कहीं काम कर रहे हैं, पुना में करे, सूरत में करे, उदयपुर में करे, मुंबई में, दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसा ही काम करें, जो हम तो जब आए थे, जब भी हमारे, मैं जहाँ उलन में रहता हूँ वहाँ 5 लोग निवास करते थे, सिर्फ मेरी समाज के 5 लोग। तो ऐसा है कि आज हम उलन में है जो 5,000 लोग रहते हैं, तो ऐसा भगवान सबको ये उन्नति पे रखे, और आप दिनों दिन उन्नति करें और अपने समाज का नाम रोशन करें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। और अपने परिवार को भी पढ़ाए लिखाए होशियार करें और बिजनेस में भी आगे बढ़े, यही मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आए थे अपने उद्योगपति आदरणीय पूर्व प्रधान श्रीमान सूरज सिंह दसाना साहब, और आपको पता होगा ये अभी आया तो चित्र बदल गया कुंभलगढ़ का, आपको पता है, राजनीति की बात यहां नहीं करूंगा। खैर एनीवे, अभी मैं आमंत्रित करता हूं उद्योगपति श्रीमान कुक सिंह जी घोड़ साहब को कि वे आए और संक्षिप्त में आप समाज का उद्बोधन करें। श्रीमान कुक सिंह जी घोड़ साहब। आदरणीय अध्यक्ष साहब मोहन सिंह जी मोकाड़ा, हल्दीघाटी राजपूत समाज मेवाड़, और सूरज सिंह जी, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच, और सामने विराजमान हमारे सब युवा साथी, आप सबको आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए और खेलेगा समाज जीतेगा समाज के नारे के साथ आपने खेला, और उसमें BMW विजेता रही, वो विजेता सागर बॉय, मैं दोनों टीम को और सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे उसमें से अगर कोई राज्य स्तर में कोई सेलेक्ट होता है, मेरी कोई भी मदद चाहिए उसका सही है, तो पूरा खर्चा मैं करने को तैयार हूँ।
और मैं मोहन सिंह जी मोगाड़ा और इनकी पूरी कार्यकारिणी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने और शादी में साल भर पहले भंवर सिंह जी इनका बीएमडब्ल्यू का फोन आया, हमारे राज्य स्तर पे एक लड़के का नाम सेलेक्ट हुआ है। मैंने आदरणीय सीपी साहब से भी बात की लेकिन कुछ उम्र का फर्क पड़ा, मैंने बहुत कोशिश की थी, दो दिन तक लगातार मैंने जयपुर फोन करके पूरे मंत्रालय में बात की, सबसे बात की थी लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन मैं आपको सभी को एक तो मोहन सिंह जी मोकाड़ा और पूरी टीम इनकी कार्यकारिणी और सबको बधाई देता हूँ कि आपने हर साल कोई न कोई नया इतिहास रचते हो। इसी शब्दों के साथ ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, अभी विगत आपको पता है कि ये सब प्रोग्राम आयोजन करने के लिए एक ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता होती है और पिछले कई सालों से अपने बीच में ये हो, स्नेह सम्मेलन हो या ये प्रतियोगिता का आयोजन हो, ऐसे अपने सबके लाडले अपने हल्दीघाटी राजपूत समाज के अध्यक्ष श्रीमान मोहन सिंह जी मोखड़ा साहब से निवेदन के आए अपना उद्बोधन के, इनके लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। अध्यक्ष महोदय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान मोहन सिंह जी मोखड़ा साहब को वे अपना उद्बोधन रखे। श्रीमान मोहन सिंह थाना के स्पॉन्सर पीछे बच गए थे, वहाँ इनका स्वागत किया जाए स्पॉन्सर देने का। ओहो, ये थाना टीम के स्पॉन्सर का स्वागत रह गए थे, रह गया था टीम नाम के लगा थाना वायरस। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान मोहन सिंह जी मोगरा साहब को भी अपना उद्बोधन रखे। श्रीमान मोहन सिंह जी मोगरा साहब बोलो। एक नाथ की जय हो, अमल माता जी की जय हो। और आज हमारे बीच में मेरे पीछे दो उद्योग साहब बैठे हैं, दो नीन और दो चार है अंडरग्राउंड में, कोई मोहन सिंह को तकलीफ नहीं आएगा आज लेने बन मतलब एंड तक, ये गारंटी है मेरी। तो मैं हमारे पहले तो ये भाईंदर भाई है अपना मतलब सूरज सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ, आप मतलब हम लोग देश में से आके हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे टीम को आशीर्वाद दिया, वही आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे पूना से अभी क्या बताएगा, मतलब हम लोग बहुत बड़ी हस्ती गांव में जावे तो हमारे को उठा के गाड़िया में घूमता हूँ मैं 12 महीना, इतनी गारंटी और इतना भला करने वाले हमारे भाई कुक सिंह जी ओटर साहब, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पे सदा आशीर्वाद रखे और हमारे को कोई कमी नहीं आने दे रहे। और हमारे सभी कमेटी और कार्यकंडी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गलतियां तो बहुत होती है, इंसान से ही होती है, लेकिन कभी मोहन सिंह को सुना मत छोड़ना, छोड़ोगे तो पछताओगा, ये मैं बोलता हूँ क्योंकि हमारे दिल में किसी के लिए मतलब हम लोग का कमी नहीं है, बहुत भावना रखता हूँ मैं छोटे बड़े के ऊपर। और हमारे 20 टीम उतारी है वो भाइयों को मैं बोलता हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप 31,000 रुपया जमा करवाया है, हमारे मेवाड़ का गौरव किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आइंदे भी कभी भी कोई भी भूल हुए तो मेरे को क्षमा करना, किसी को नाराज में कुछ भी तकलीफ हुए तो मेरे को क्षमा करना। और आइंदे एक और हमने आज मतलब तय किया है कि हमारे को जो भी देश के हमारे बहन बेटियां जो भी हमारे व्यवहार है उसका भाई सब बॉम्बे में आके खेलेंगे टूर्नामेंट, ये आज हमने निर्णय किया है। और हमारे सभी टीमों को और हमारे कार्यकर्ता को सबको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, कोई गलती हुए तो क्षमा करना और हमने बहुत अच्छा काम किया। ये सूरज सिंह जी
जहाँ जहाँ जाते थे कुक सिंह जी सा हमने वो तो ताराचंद उधर अपना बॉम्बे में खाना खिलाते थे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सेवा करके किए था, आज भी आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और ये सभी भाई टीम वाले, किसी का दर्द हुआ हुआ है, किसी को कुछ हुआ हुआ है, लेकिन हल्दी घाटी राजपूत समाज आपको हार का किसी का वसन ही नहीं है, सब भाई जीते। 20 ही टीम वाले जोरदार तालियां बजाइए। साहब का कहना है कि सब जीते हैं, कोई हारा नहीं। जीतेगा समाज, खेलेगा समाज, यही अपना हल्दी घाटी का नारा है। तो आप कभी हमारे में कोई भी गलती हुए तो हमारे के ऊपर मतलब हम तो क्षमा कर देना। जय हिंद, जय मेवाड़, जय महाराष्ट्र। एक बार उनका नाम लो, हरिओम ग्रुप वाले का स्पॉन्सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम ग्रुप वाले का स्पॉन्सर आए मोटा सिंह जी, देवी सिंह जी नहीं है, उनको भेजा लड़ेगा। हरिओम ग्रुप के मोटा सिंह जी और वो उनके ग्रुप का आए हैं। क्या नाम है आपका भैया? मदन आए हैं, वो अपना ट्रॉफी ले जाने। तत्पश्चात अपने 20 टीमों के कैप्टन है, मैं नाम लूंगा। बिल्कुल, हाँ हो गया। 20 टीमों के कैप्टन सिर्फ ऊपर आए और अपने पूरे टीम के मोमेंटो लेके जाए, सिर्फ कैप्टन। ओके, बढ़िया। ओनली फॉर वन मैन फॉर कैप्टन, कम फास्ट इन स्टेज एंड गेट योर ड्रॉपी बॉल प्लेयर्स। ओके, सभी टीम के कैप्टन अति शीघ्र मंच पर आए और अपने सभी प्लेयरों की ट्रॉफी लेके जाए। ओनली फॉर कैप्टन, कम मंच। बहुत बढ़िया। हाँ, और साहब मोहन सिंह जी के बारे में तो मुकाय कहना चाहो। देखिए, उनका उम्र है 55 लेकिन दिल है 55, क्योंकि वो सबको साथ में ऐसे घिर माल जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सर, आपके लीडरशिप में ये राजपूत समाज ये मुंबई की धन्य धरा पर बहुत तरक्की कर रही है, ऐसा मैं भगवती माँ एकलिंगनाथ भगवान से यही आशा करूंगा कि आप यही लीडरशिप बनाए रखना और आप जैसे बुजुर्गों का हमारे समाज पर हमारे सूरज सिंह जी, कुक सिंह जी, मोकाना साहब, इनका आशीर्वाद हमारे युवा पर बना रहना, ताकि ये मुंबई की धन्य धरा पर हमारा समाज दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, टीम के कैप्टन आइए और सभी का प्लेयर के टॉपी लेके जाइए। और साहब सूरज सिंह जी, आप सबरो आशीर्वाद है, जरे जैन अरे करम मुंबई मुंबई रमाए मोरे है युवा साथी का पोजीशन में, क्या बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, कि बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, अरे बिन जाने तेरा हाल बता सकते हैं, सब मुंबई में ये ताकत मेरे राजपूत समाज युवाओं की, कि फुटपाथ के फकीर को भी कोहिनूर बना देते हैं, फुटपाथ के फकीर को भी कोहिनूर बना देते, वो ताकत है। उनके सिर्फ कैप्टन यहाँ पर बजा रहे, अगर कैप्टन नहीं है तो कोई भी मेंबर आके ये ट्रॉफी हासिल कर दे। हाँ, बिल्कुल शंभू सिंह जी। हाँ, 20 टीमें के नाम ले लो आप। हाँ सर, क्रम से नाम ले रहा हूँ, आप पधारे। अच्छा, आप बोलिए, टीम का नाम बोलिए। थाने वारिया, मैं बोलो, मेरे पास है। ओके ओके, आप ओके कर लो, ठीक है। नेतृत्व नाम बोलो, ठीक है। अरे ये स्पॉन्सर के, ये नहीं सर। अच्छा, टीम वाइज बोल रहा हूँ आप। अच्छा, थाने वारिया आप ही बोलो ना, आप बोलो ना, ठीक रहेगा। अभी 20 टीमें के, आपका शुभ नाम? मान सिंह जी सदाड़ा। इनसे निवेदन होगा टीमों के नाम बोले। हाँ, पहली टीम के नाम है थाने वॉरियर। थाने वॉरियर के प्लेयर्स अवेलेबल हो तो प्लीज यहाँ पर आ जाए, नहीं तो कैप्टन आ जाइए, सभी 15 प्लेयर के ट्रॉफी यहाँ पर आप कलेक्ट कीजिए। बिल्कुल, थाने वॉरियर्स के अगर कैप्टन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी टीम मेंबर पधार कर इस हमारे आगे, हाँ पूरी ट्रॉफी दे दीजिए, हमको सपोर्ट कर दीजिए। हाँ सर, अगला नाम आ जा। ये भी सर आपकी जिम्मेदारी रहेगी सभी मेंबर तक ये पहुंचानी, फिर कमेटी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ट्रॉफी मिली मेरे को नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, हाँ टीम कैप्टन नहीं है तो मेंबर कोई भी टीम मेंबर आ सकता है, कोई भी खिलाड़ी आ सकता है। हाँ सर, अगला टीम कौन सा, वो तैयार है, नाम लीजिए। BMW टाइगर। BMW या उसके कैप्टन या कोच या टीम स्पॉन्सर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हाँ,
15 खिलाड़ी आ सकते हैं अवेलेबल। नहीं नहीं, 15 पूरे नहीं आइए, एक मेंबर आइए और लेके जाइए। अच्छा वो सर वो ट्रॉफी के लिए आपको टीम टीम इंश्योरेंस के लिए तो पूरी टीम बुलाएंगे, ये तो ये के लिए। अच्छा आइए 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 सर, चलिए आइए आइए आइए, बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है तो कम फास्ट, और नहीं हो तो उनका साथी भी ले सकता है। ओके सर ओके, आइए आइए आइए। अरे ये तो विनर टीम, एक बार जोर ताली बजाओ सर। अरे यार विनर टीम आ रही है, आपका जोश जुनून नहीं है, मुने खड़ा कर अच्छा नहीं लगे यार। ये भमसा के नेतृत्व में उतरी हुई टीम, देखिए बहुत जी भाई साहब की मुस्कान भी बताती है, ये हमारे टीम के स्पॉन्सर थे। लगता लाल सिंह की पूरा थकान हो गई है चार दिन की, लेकिन अच्छा नहीं है। राजपूत समाज से उभरता हुआ खून, युवा जोश खून है साहब। अगर बॉर्डर पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सैनिक मिलेंगे तो अपने समाज राजपूत समाज से मिलेंगे, और या तो हमने चार दिन ही मेहनत की है साहब, वहां पे तो हम दिन हो या रात, धूप हो या छाव, वहां पर तैनात रहते तब जाकर ये भारत सुरक्षित है, ये राजस्थान सुरक्षित है। ये बीएमडब्ल्यू के लिए एक बार जोरदार चैंपियन टीम के लिए ताली बजाइए साहब, वाह साहब वाह, फटाफट आना। देखिए साहब काको साहब, बिल क्लिंटन जब भारत की धरा पर आ रहा था, बिल क्लिंटन अपने सरजमी से भारत की सरजमी पर आ रहा था, तो उसकी माँ से कहता है कि माँ मैं भारत की सरजमी पर जाऊँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँ, तो वो माँ कहती है बेटा भारत में जाना, भारत के राजस्थान में जाना, राजस्थान के मेवाड़ में जाना, मेवाड़ के उस कुंभलगढ़ में जाना जहां पर राणा प्रताप ने जन्म लिया, उस कुंभलगढ़ की मिट्टी लेके आना, मुझे तिलक लगाना है, तिलक लगाना है, तिलक लगाना है। बोले जय हो, उस वंश से हम आते हैं, उस परिवार से आप आते हैं। हेलो हाँ, इसके बाद में टाटोल रॉयल से पूरी टीम तैयार रहे, टाटोल रॉयल से ऑल टीम एंड कैप्टन एंड ऑल प्लेयर की जय हो, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये सभी आप सभी युवा साथियों का सहयोग है, मैं भी 5 साल से आपसे समाज से जुड़ा हूँ, जान अनजान में कुछ भूल हुई हो तो आपका छोटा भाई बड़े सिंह राजपुरोहित को माफी करना। टाटल रॉयल्स हाँ, जितने मेंबर अवेलेबल है प्लीज कम फास्ट एंड स्टेज एंड टेक योर प्राइस, जल्दी आ जाओ। हाँ साथ में कोच भी आए तो अच्छा लगेगा और टीम स्पॉन्सर भी आए तो अच्छा लगेगा। टाटल रॉयल्स आइए सर आइए, वेलकम है। इसके बाद में सर जी कौन सी टीम तैयार रहना, इसके बाद में पुणे रॉयल्स, क्या बात है, पुणे की भी पारितोषित की है, बहुत बहुत धन्यवाद, पुणे की टीम पूरी तैयार रहे। इसके बाद में आ जाए मंच के पास, कोई भी मेंबर हो तो आ जाए। हाँ लंबा रास्ता है, जल्दी निकल गए होंगे। हाँ इसके बाद में सर, इसके बाद है रॉयल किंग लोर, रॉयल किंग लोर लोर पता रसा, रॉयल नाम नहीं, रॉयल रॉयल अनि राजा, रॉयल अनि राजा महाराजा, रॉयल किंग पता रसा पता रो, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं रॉयल। हाँ सर भगवत जी, हाँ दे जी हाँ, इसके बाद में सर जी, इसके बाद में अपने जो बॉन्सर थे उनका भी तिलक करते हैं, बॉन्सर जो 4 दिन तक अपने, बिल्कुल बिल्कुल चारों बॉन्सर बुला लो। हाँ हाँ सर आ जाइए एक बार, बॉन्सर टीम पूरी, हाँ हाँ आइए बॉन्सर सर आ जाइए। 4 दिन तक जिन्होंने
इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए आपके इस फील्ड को कवर किया। ऐसे जवानों को हम हमारे राजपूत समाज की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि खाना खाने गया कोई तो बात तो बुला लेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने चार दिन तक अपने ग्राउंड को पूरी सुरक्षा देने के लिए इन्होंने जो अथक मेहनत की, और इनका टीला और सम्मान करके इनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि गेम को खेलने के लिए सारे तरफ से सिक्योर करना पड़ता है, और इन्होंने अपने कुशल बुद्धि से इस आपके ग्राउंड को कवर किया। कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की कोई घटना नहीं करे, इनको देख करके कि आदों की चड्डी तो ऐसी ढीली हो जाती है ना। मुंबा देवी टाइगर आओ सा, मुंबा देवी टाइगर, मुंबा देवी टाइगर, कम फास्ट इन स्टेज एंड टेक योर प्राइज, प्लीज कम फास्ट। इसके बाद में दानू पैंथर की पूरी टीम तैयार रहे, जिन्होंने वापस सेट हो जाइए, जिन्होंने अपना समय पे आपकी सुरक्षा करने के लिए जिन्होंने दिन रात जैसे भी समय मिला इनका हल्दीघाटी राजपूत समाज की तरफ से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मंच पर बाउंसर है, तब जाकर कहना चाहो भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। दानू पैंथर्स आइए सर, देखो जवान आपको कहीं भी मिले ना, चाहे वो जल सेना से हो, थल सेना से हो, किसी भी सेना से हो, उसको एक बार जय हिंद बोल देना, उसका खून बढ़ जाता है साहब। चल रहा है बिल्कुल। हाँ आगे कौन है सर? दानू पैंथर, मोराना सरकार, पधारो साहब, मोराना सरकार। जवान सिंह जी पधारो साहब, ये सर चार दिन की मेहनत है साहब, ये चार दिन की मेहनत है। अपन जब दुकान मारते सीजन में ना, सीजन जो चारों डॉलर की सीजन है, जो पैसों इकट्ठा करा नहीं वन प्रति, और चार दिन की अपनी मेहनत है, और समाज का ये मान सम्मान और आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बिल्कुल आगे सर। दक्षित इलेवन सुखार, सुखार सुखार पधारो साहब, दक्षित इलेवन सुखार, जितने अवेलेबल हो आ जाइए, कोई बात नहीं। इसके बाद में नाडा रॉयल्स के कैप्टन और पूरी टीम यहां पर ऑटो पधारिए, नहीं तो कैप्टन और कोच आ जाइए, जितने अवेलेबल हो कम फास्ट प्लीज। इसके अगली कड़ी में मोलेला टाइगर्स पधारो साहब, नाम ही टाइगर है साहब, शेर चीता लॉयंस वासावा, बिल्कुल हमारे पूरे कमेटी के द्वारा इनका ये मोमेंट देखकर अभिनंदन हो रहा है, साथ में पूरी कार्यकर्णी और खेम सिंह जी उठाड़ और उनकी पूरी टीम के साथ में हो रहा है स्वागत। इसके बाद में सर मोलेला टाइगर आया, सर मोलेला टाइगर्स, अगर एक का खिलाड़ी भी मौजूद है वो भी आ सकता है, नहीं है आप वहां पे पेंडिंग लिख लेना। हाँ कुंभलगढ़ किंग, जिसका नाम लेते ही चेहरा खुल जाता है, उस महाराणा प्रताप की धरती कुंभलगढ़ वासावा, पधारो सा कुंभलगढ़ किंग्स। हाँ
दोस्तों अभी तो मैन ऑफ द मैच बाकी है, मैन ऑफ द सीरीज बाकी है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट सभी अभी तो प्रेज बाकी है। जाजियो मती थोड़ी देर और, आपने चार धारा सहयोग दी है तो खाली आधा घंटा और सहयोग दे दो तो पूरी कमेटी ने एंकर भरत सिंह राजपुरोहित आप पूरी उम्र भर आप तन रहेला आप आभार रहेला। खाली आधा घंटा और मैंने टाइम दे दो बस। बिल्कुल सर आगे जे एम एस टाइगर पधारो सा, जी एम एस टाइगर गोरेगांव जल्दी करना सर, इसके बाद में ये बड़ी ट्रॉफी भी उठानी है बीएमडब्ल्यू को और रनर अप हमारे सागर भाई कामा को भी उठानी है, बड़ी खुशी है साहब। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक, प्लीज कम फास्ट। हाँ जितने प्लेयर अवेलेबल है सब आइए सर। बिल्कुल आइए 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 हाँ, सब आइए क्योंकि साहब समाज के मंच पे जो मान मिलता है ना साहब वो राष्ट्रपति के हाथों से मान लेना, मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से मान लेना उससे भी बड़ा मान समझता हूँ साहब। समाज के मंच पर अगर मान लेना तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपना पड़ता है, समाज के लिए दौड़ना पड़ता है, समाज के लिए घर बार धंधा पानी छोड़कर कुछ करना पड़ता है तब जाकर समाज पर मंच पर हमें बहुमान मिलता है साहब। ऐसा ही नहीं मिलता क्योंकि धंधा पानी दौड़ो, समाज सेवा करो, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचो तब जाकर समाज सोचती है कि ये समाज में काम करने वाला आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अगले, बिल्कुल आपका स्वागत हो रहा है, मुस्कान कीजिए थोड़ा मुस्कान। वासावा वासावा बहुत बहुत धन्यवाद आप रो सब रो। सर अगला नाम क्या है? मान सिंह जी अगला नाम बताइए। लाला इलेवन पधारो सा, लाला इलेवन पूरी टीम के साथ में पधारिए। अगर टीम नहीं है तो एक मेंबर भी रहेगा तो चलेगा। लाला इलेवन, इसके बाद में चैलेंजर क्लब तारोट तैयार है साहब। बिल्कुल जल्दी बता दो साहब क्योंकि हम तो अकेले भी बहुत भाग्यशाली शक्तिशाली सब। राणा प्रताप जब युद्ध के लिए गए थे अकबर के लिए तो राणा प्रताप की सेना सिर्फ 1000 थी और अकबर की सेना 25,000 थी, लेकिन उस राणा प्रताप ने धूल चढ़ा दी उस अकबर की सेना को। उस समाज से आते काकोसा, जब नाम लेते तो नाम हमारे 2 इंच खून बढ़ जाता है। उस जूझा अपने महाराणा प्रताप की धरती से, उस देवभूमि से हम आते हैं। लीजिए अगले कड़ी में साहब अगला नाम, सागर बॉयज पधारो, सागर भाई पधारो, वेलकम है आपका। पूरी टीम लाइए, पूरी टीम अच्छा लगेगा साहब। बिल्कुल सागर भाई के टाइगर प्लेयर पधारो सा, मेहनत की आप रनर अप दीप रही है, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आप भगवती से एकलिंगनाथ भगवान से आशा करता हूं कोई और थोड़ी मेहनत करो और 2025 का कप लेके जाओ सागर भाई, ये शुभकामना है मेरी आपके साथ में। जय जय श्री राम। सागर भाई, सागर बॉयज के सारे प्लेयर यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए इस आयोजन कमेटी का तो सागर भाई एक ही नारा है, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। दोस्तों खेल तो एक बहाना है, समाज के युवाओं को एक मंच पर लाना है, यही मेरा आयोजन कमेटी का समाज का एक नारा है। बिल्कुल साथ में टीम ऑनर सगन जी, आप भी साथ में रहिए। सगन सिंह जी आप भी साथ में रहिए, टीम ऑनर है। मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा आयोजन करना तो रोकड़ा वेना मंबूर धरती माते बहुत जरूरी है साहब। रोकड़ा जो था डोगड़े पन्ना ने तो 21 साल तो मोतिया घरे पड़ी हो रहे। ऐसे टीम सपोर्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आयोजन कमेटी को भी धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल मान सिंह जी अगला नाम, जल्दी करो ना, मेरे को भी 10 बजे एक प्रोग्राम अटेंड करना है। हाँ मान सिंह जी अगला नाम,
हाँ सागर बॉयज रनिंग है। रॉयल राजपूत मुलुंड पधारो साहब पधारो। रॉयल राजपूत मुलुंड सॉरी सॉरी मुस्कान आप तो विनर रनर टीम हो थोड़ी मुस्कान रखिए सर। वाह ये कैमरे में कैद हुई है ये 10 साल के बाद में आपके बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि मेरे पिताजी ने भी योगदान दिया था सागर भाई कामा में। जय जय श्री राम महाराणा प्रताप की जय हो। लीजिएगा अगले कड़ी में मान सिंह जी अगला नाम क्या है हाँ हो जाएगा वो तैयार रहेंगे ना अच्छा खड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ जय जय श्री राम। 22 तारीख के बाद में तो पूरा हिंदुस्तान का माहौल बदल दिया। जब हम फोन में हेलो कहते थे अब तो सब अगला वाले फोन करा था जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है मेरा भारत बदल रहा है मेरा हिंदुस्तान बदल रहा है। जब हजारों साल पहले जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी मुझे लगता है अगर मोदी जी 15 साल और रहे तो वो टाइम काको साहब वापस आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा क्योंकि 500 साल पहले ये भारत सोने की चिड़िया थी। उन औरंगजेब ने उन अंग्रेजों ने लूट लूट को खोखला कर दिया था। अब जाकर थोड़े सुधार हो रही है। हमारे मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे लीडर है हमारे भारत के आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आगे राजसमंद रॉयल पता रहा अरे मंच माते आओ हरमाने सो मोदिया रहो देखो दिल खोल के आना चाहिए। हाँ कुछ करते तब जाकर मंच पर सम्मान मिलता है समाज में सम्मान मिलता है साहब। हाँ क्या बात है मुस्कान हेमेंद्र जी थोड़ा मुस्कान रेडी वासावा टाटोल टाइगर्स उरन मोटा सिंह जी दसड़ा और देवी सिंह जी सदना उनकी कौन आया है आप आए हैं क्या नाम आपका शुभ करण सिंह जी खरवाड़ लोअर ये हरिओम ग्रुप की तरफ से आए हैं और लोअर रतन सिंह जी खरवाड़ लोअर ये हरिओम ग्रुप की तरफ से आए इनको भी मोमेंटो दिया जाए।
आपका एक साथी आए हैं, आइए आपका भी स्वागत रहेगा। आइए, आपने चार दिन तक बहुत अच्छी सेवा दी, इन तीनों भाई का तो हुआ है, इनका भी स्वागत। एक पंडित जी, एक बाउंसर रह गया था, इनको दुपट्टा दीजिए। इन्होंने चार दिन तक काफी अच्छी सेवा दी, ये कहीं चले गए थे, ग्राउंड का राउंड मान है। आपका स्वागत और अभिनंदन, आपने अथक प्रयास से आपने चार दिन तक बढ़िया सेवा दी, इसके लिए हल्दीघाटी राजपूत समाज आपका हृदय से अभिनंदन करता है। राजपूत रॉयल्स के राजसमंद रॉयल्स के फतेह सिंह जी, वे निवेदन मंच में बता रहे। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, फर्स्ट मैच के मैन ऑफ द मैच फतेह सिंह जी, आइए बापू, आइए। बिल्कुल, अब बारी आती है हमारे खिलाड़ियों की मेहनत। अभी तक तो जो प्रोटोकॉल चल रहा था, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को योगदान दिया, जिन्होंने अपने धन किए यहाँ पर समाज के मंच पर बौछार किए, उनका सम्मान हुआ ऐसे भामाशाहों का। अभी बारी आती है हमारे चार दिन की जो मेहनत खिलाड़ियों की किए, जो पहला मैच थाने वारियर्स, बिल्कुल बिल्कुल उरन उरन से कहाँ गया, नजदीक आया उरन ग्रुप, उरन ग्रुप, हरि ओम ग्रुप, उरन प्लीज आप मंच से संपर्क करें, हरि ओम ग्रुप। तीन ट्रॉफी रहेगी उनकी, तीन ट्रॉफी यहाँ पर पेंडिंग है, वो लेके जाए आप। और शंभू सिंह जी आदेश है, परमार साहब कुछ आदेश है, एक मिनट। हाँ, अभी सिक्स और फोर की जो बोली लगाई थी, स्वागत की कड़ी में नार सिंह जी, बाबू सिंह जी, एक सूचना जो अपने बीच में है, अच्छा, जो जो खिलाड़ी प्रतिभावान छात्र थे, सिक्स और फोर की जिसने बोलियां लगाई है, वो बोलियां लिख गई है, उनके नाम महेंद्र ने चार लगाए हैं, सुरेश ने तीन, विक्रम ने छह और दो सिक्स, और विक्रम का 50 मारने के लिए 2100 रुपए लगाए हैं, 5101 और 2101, ये बोलिए जिस महानुभाव ने लगाई है उनका नाम वहां पे अपने कमेंट्री बॉक्स में होगा ना, उनका नाम निकाले और ये राशि आप इनको पारितोषिक दिलाए। बमसा ले 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 कमेंट्री बॉक्स से आप नाम ले लीजिए और वो लेके आइए। बिल्कुल, शंभू सिंह जी हो गया, परमान साहब हो गया सर, अच्छा स्वागत की घड़ी में हो गया, छोटा भाई मोहन बाबू सिंह और जो मेरे भाई बंद है जिनका स्वागत नहीं हुआ ऊपर आए दुपट्टा से स्वागत डालू सिंह, नार सिंह जी, छगन सिंह जी, डालू सिंह जी, जिनका स्वागत बाकी रह गया, अभी पधार जाए मंच पे। डालू सिंह जी, ठीक है चलो अभी आगे का काम करें, मेरे नाम बताए हैं वे महानुभाव मंच पर पधार जावे अगर मेरी आवाज उन तक जाती है तो। हेलो, और कोई अगर भाई किसी कारणवश चूक में कोई गलती से रह गया है, कुछ काम बाकी जैसे मिस्टेक भी हो सकती है तो हमें मंच पर सूचना करें, हम उसका नाम अनाउंस करेंगे। तुलसी सिंह जी थाना, वे भी मंच पर पधार जाए, दुपट्टा इनका, लक्ष्मण सिंह जी आप स्वागत करके जाइए इनका। भवर सिंह जी भादीगुड़ा और पुणे वाले की ट्रॉफी लो आप, भवर सिंह जी भादीगुड़ा पुणे वाले की ट्रॉफी लेके जावे, अर्जुन भाई ने बोला है, अर्जुन का जी ने बोला है लेके जाइए आप, भवमसा भादीगुड़ा, अभी सही महेंद्र बुला देवे, सर महेंद्र
उनके सभी खिलाड़ियों के मैन ऑफ मैच पहला मैच खेला गया था थाने वॉरियर्स वर्सेस टाटोल रॉयल्स के बीच में, जिसने थाने ने जीत दर्ज की थी। उसके मैन ऑफ मैच गैस नहीं अनुमान लगा सकते कौन होगा? रुपे, बहुत बढ़िया, कम 5 रुपए एंड टेक योर प्राइज। बिल्कुल, और इन्होंने 22 रन 2 विकेट। रुपे सिंह जी पता होगा, फटाफट प्लीज हेट है कर थाने वाले, अगर वो नहीं है टीम मेंबर कोई भी आ सकता है, प्लीज कम फास्ट। थाने वॉरियर्स का रुपेश आगे, कम फास्ट। बिल्कुल सर, हमें भी 10 बजे प्रोग्राम अटेंड करना है विरार में, जल्दी सर। सेकेंड रुपेश जी आए, कमेटी मेंबर साहब फटाफट इनका, भगवत सिंह जी, ओ भगवत सिंह जी, भगवत सिंह जी मैन ऑफ मैच कौन सा, वो वाले शंभू सिंह जी दो सर को दो, डायरेक्ट मैन ऑफ मैच दोनों तो भी चलेगा, वो वहां पे वो ट्रॉफी है फटाफट। हाँ, दूसरा नाम है, दूसरा जो मैच हुआ था उसके रॉयल किंग और दानु के बीच में, रॉयल किंग लॉर और दानु के बीच में, जिसमें दानु ने विजय हासिल की थी, उसके मैन ऑफ मैच है नाटू सिंह, पता हो नाटू सिंह है। अच्छा, आइए सर आइए, वेलकम है आपका। मैंने पहले ही कहा कि अगर टीम के वो खिलाड़ी नहीं है तो टीम मेंबर या टीम कोच टीम मैनेजमेंट भी पधार सकता है सर, पधारिए। बोलो सर, बिल्कुल है, जो स्वागत बाकी रहा था मदन सिंह जी, बाबू सिंह जी, तुलसी सिंह जी, पधारो सर, आपका स्वागत बाकी रहा था, एक स्वागत करा ले सर, जल्दी बता दो साहब मैंने जो नाम लिया। हाँ, ये दूसरे मैच का हो गया मान सिंह जी। तीसरा मैच दक्षित वर्सेस मोलेला सरकार के बीच में हुआ था, जिसमें दक्षित ने विजय हासिल की थी और मैन ऑफ द मैच गो टू हरि सिंह, हीरा सिंह, पता रहो हीरा सिंह, प्लीज कम फास्ट, आइए सर आइए, फटाफट आइए। हाँ, ये हमारे 3 नंबर मैच के मैन ऑफ द मैच श्रीमान हीरा सिंह जी। मैच नंबर 4 जो मैच लीग मैच हुआ था जीएम टाइगर वर्सेज चैलेंजर्स के बीच में, जिसमें जीएम टाइगर ने विजय हासिल की थी, गोल्स फॉर मैन ऑफ द मैच मिस्टर मोहन सिंह, पधारिए कम फास्ट ऑन स्टेज एंड टेक योर प्राइज, आई प्राउड ऑफ यू मिस्टर मान सिंह राजपूत, आइए सर आइए फास्ट, नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए आना है आपको, आइए डांस करते हुए आना है। हाँ, इसके बाद में मैच नंबर 5, हाँ आइए, बिल्कुल मैच नंबर 5 रॉयल राजपूत वर्सेस टोटल के बीच में हुआ था, जिसमें रॉयल राजपूत ने विन हुई थी, गोल स्ट्रोक मैन ऑफ मैन मिस्टर प्रेम सिंह, पता रहो साहब प्रेम सिंह, जिन्होंने 18 रन बनाकर अच्छी पारी खेली थी, अपने उस बल्ले से एक अच्छी रनिंग की थी, अच्छी बैटिंग की थी, ऐसे हमारे प्रेम सिंह। प्रेम सिंह फ्रॉम मुलुंड। मैच नंबर 6 जो बीएमडब्ल्यू टाइगर वर्सेज पुणे रॉयल्स के बीच में खेला गया था, जिसके मैन ऑफ द मैच एनी गाइस अनुमान लगा सकते कौन होगा, जो मैच नंबर 6 था बीएमडब्ल्यू टाइगर वर्सेज पुणे रॉयल्स के बीच में, जिसने अच्छे विकेट लिए थे, मिस्टर मोहन सिंह, गोल टू मैन ऑफ द मैच मोहन, हाँ
मैन ऑफ द मैच मैच नंबर 6 मोहन लिखा है यहाँ पर 6 नंबर जो बीएमडब्ल्यू यहाँ पे एम किया सर नाहर सिंह है हाँ यहाँ पे मिस्टेक की है मोहन लिखा एम ओ एच ए एन लिखा है भमसा ने बताया कि वो नाहर सिंह है एन ए एच ए आर नाहर सिंह ये लिखने वाले की गलती है बोलने वाले की नहीं है कंफर्ट नाहर सिंह एंड टेक योर प्राइज बिल्कुल मैच नंबर सॉरी चाहता हूं आइए नाहर सिंह जी पधारो सा मैच नंबर 7 मुंबई देवी टाइगर वर्सेज मोराना सरकार जिसमें मोराना सरकार ने विजय हासिल की थी गो फ्रॉम मैन ऑफ द मैच मिस्टर सरवन सिंह जिन्होंने 48 रन की पारी खेली थी पधारो सरवन सिंह जी आया बिल्कुल अगले क्रम में नाडा रॉयल वर्सेज कुंभलगढ़ किंग जिसमें कुंभलगढ़ ने विजय हासिल की थी वीन रही थी गोज फ्रॉम मैन ऑफ द मैच मिस्टर मोहन सिंह पता रही है मोहन सिंह आपने 3 विकेट झटके और अगली वाली टीम को पेवेलियन भेजा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह जी मैच नंबर 9 लाला 11 वर्सेस सागर बॉय जिसमें लाला 11 ने विजय हासिल की थी और मैन ऑफ द मैच गो फ्रॉम एनी गाइस वीरेंद्र सिंह कम फास्ट आपने 3 विकेट लिए थे और अगली वाली टीम को पैवेलियन भेजकर विजय हासिल की थी पधारिए वीरेंद्र सिंह जी अगले क्रम में मैच नंबर 10 राजसमंद रॉयल वर्सेज हरिओम ग्रुप उमरन जिसमें राजसमंद ने विजय हासिल की थी और मैन ऑफ द मैच गो फ्रॉम विजय सिंह वी आई जे ई एस एच विजय सिंह पधारो कोनी आए ओके सर 11 गया मैच नंबर 11 थाने वारियर्स वर्सेज बीएमडब्ल्यू टाइगर इसमें बीएमडब्ल्यू ने जीत हासिल की थी और ये मैन ऑफ द मैच जाता है किसको जिन्होंने 15 रन देकर 1 विकेट लिया था मिस्टर नाहर सिंह बिल्कुल अगले रॉयल किंग लॉर्ड वर्सेज मुंबई देवी टाइगर इसमें मुंबई देवी ने जीत हासिल की थी तो मैन ऑफ द मैच जाता है महेंद्र सिंह पधारो आपने 24 रन मारकर एक टीम को अच्छे पोजीशन पर लेके गए थे बहुत बड़ा योगदान था टीम में पधारिए महेंद्र सिंह जी और आपका खिताब लीजिए अगले क्रम में दक्षित 11 वर्सेज नाडा रॉयल सुखार इसमें दक्षित 11 ने विजय हासिल की थी और गो फ्रॉम मैन ऑफ द मैच मिस्टर नरपत सिंह पधारी आपने 9 रन लेकर 3 विकेट झटके और अपने टीम को विजय दिलाई पधारी नरपत सिंह जी और आपका प्राइज लीजिए बिल्कुल और जिन हमारे समाज बंधुओं ने हमारे बच्चों के लिए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो बोलियां लगाई थी 4 और 6 की और विक्रम के लिए जो 50 बनाई थी उसके लिए 5100 रुपया खेम सिंह जी ने सोमा उन्होंने दिया सॉरी खेम सिंह जी सांगट हेलो 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 हेलो
हेलो लो है हेलो कनेक्शन इज काट यू कनेक्शन ही काटा है शायद वहां से क्योंकि सेल में तो बता रहा हूं कनेक्शन ही काटा तूने ये लो ये आई ये लो वो चालू है ले हेलो बिल्कुल सॉरी चाहूंगा लीजिए राजसमंद रॉयल वर्सेज हरिओम के विजेश का हो गया नाहर सिंह का हो गया रॉयल किंग और मुंबई देवी टाइगर महेंद्र का हो गया अच्छा दक्षित नरपत सिंह का हो गया ना साहब हाँ जीएमएस टाइगर वर्सेज लाला इलान हो गया ओके मैच नंबर 15 रॉयल राजपूत वर्सेज राजसमंद रॉयल के मुलुंड के बीच में जिसमें रॉयल राजपूत ने विजय हासिल की थी मिस्टर देवेंद्र गोल टू मैन ऑफ द मैच मिस्टर देवेंद्र सिंह राजपूत पदारोसा इसके बाद में मैच नंबर 16 टाटल रॉयल वर्सेज पुणे रॉयल के बीच में जिसमें पुणे ने विजय हासिल की थी मिस्टर दुर्गेश सिंह पदारो फटाफट बिल्कुल मैच नंबर 17 जिसमें दहानु पैंथर्स वर्सेज मोराना सरकार के बीच में जिसमें दहानु पैंथर्स ने विजय हासिल की थी मिस्टर हरि सिंह पदारो एक दोरी है हाँ नेक्स्ट है मोलेला टाइगर वर्सेज कुंभलगढ़ की गोल फ्रॉम मैन ऑफ द मैच मिस्टर मोहन सिंह बता रहो हाँ मोहन सिंह बता रहो अन्य बाद में मैच नंबर 19 चैलेंजर्स क्लब वर्सेज टाटोल वर्सेज सागर बॉयज इसमें सागर बॉयज ने विजय हासिल की थी मैन ऑफ द मैच गोल फ्रॉम सागर सिंह बता रहो सागर भाई बता रहो जिन्होंने 3 विकेट लेकर विजय हासिल की थी एक बार जोरदार ये हमारे रनर अप टीम भी है सागर भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ वाह वाह जय हो इसके बाद में टाटोल टाइगर वर्सेज हरिओम ग्रुप उरन इसमें टाटोल टाइगर ने विजय हासिल की थी मैन ऑफ द मैच गोज फ्रॉम विजू बन्ना पधारो हाँ ये हो गया सर इसके बाद में जिसने 4-6 मारा है उन्हें भी पारितोषित करना है मिस्टर महेंद्र सिंह बीएमडब्ल्यू सुरेश सिंह बीएमडब्ल्यू विक्रम सिंह बीएमडब्ल्यू और विक्रम सागर बॉयज प्रदीप सिंह जी सागर बॉयज और मांगू सिंह जी बीएमडब्ल्यू जितना भी नाम लीजिए प्लीज कम फास्ट मैं जीता भी नाम लीजा ने हाँ सागर बॉयज से कौन था विक्रम प्रदीप सिंह मांगू सिंह ये सागर बॉयज से है विक्रम प्रदीप सिंह और मांगू सिंह और दूसरे पहले नाम दिया था बीएमडब्ल्यू से फटाफट आओ फटाफट ये आपकी जो 4-6 मारा था वो राशि है महेंद्र का 4-4 है सुरेश का 3-4 है विक्रम का 6-4 है ये लिस्ट हेलो बिल्कुल हाँ और एक सिक्स हमारे सागर भाई कौमा की ओर से कैप्टन सागर सिंह राजपूत आइए सर ये जो भी राशि है फटाफट दीजिए हेलो हेलो एक साथ बोलो सब आप इतना देखिए जिन्होंने भी राशि बोली है वो यहाँ पर पहुंचा है लंबा लंबा मत खींचो फटाफट बोलो एक एक साथ सब बोलो कौन सा नहीं है चौके हाँ जिसने भी समाज बंधु ने राशि बोली है वो हमारे खिलाड़ियों को दे दे चाहे वो ऑनलाइन करे यूपीआई करे पेटीएम करे गूगल पे करे जी पे करे कुछ भी करे लेकिन उस बंदे को आप इनाम दे दे बहुत बहुत धन्यवाद अगले आगे के मैच के मैन ऑफ द मैच बीएमडब्ल्यू वर्सेज कुंभलगढ़ किंग जिसमें बीएमडब्ल्यू ने विन हुई थी नाहर सिंह जी पधारो आपका
मैन ऑफ द मैच मिस्टर नाहर सिंह जी। इसके बाद में दानू पैंथर वर्सेज सागर बॉयज कॉमा, जिसमें सागर बॉयज कॉमा विन हुई थी, उसके दो विकेट लिए थे मिस्टर नरपत सिंह। हेलो, आप ही सोगे नाहर सिंह मैन ऑफ द मैच है दक्षिण 11 वर्सेस थाने वॉरियर्स। विनर टीम थी दक्षिण 11। महेंद्र जी 12 रन बनाए थे। महेंद्र आप देखे, महेंद्र मुंबई टाइगर का मैम हुआ था जीएमएस टाइगर, उनकी तरफ से मान सिंह जी 14 रन बनाए 2 विकेट। कवन रॉयल राजपूत वर्सेज टाटोल टाइगर रॉयल, उनके मनीष जी आए 18 रन बनाए थे। उनके मनीष जी आए थे रॉयल राजपूत, मनीष जी बनाए 18 रन। मैन ऑफ द मैच थाना वॉरियर्स वर्सेज सागर बॉय कामा विन विक्रम जी आए, उन्होंने बनाए 26 रन। विक्रम जी प्लीज फास्ट कम है, अपने पास बहुत कम टाइम है। क्या आ गया? अरे कहाँ चले गए, आओ ना पंडित जी। बोलो, हाँ बोलो ना यार, फटाफट करवा। हेलो, ये दो रॉयल राजपूत मलून वर्सेज रॉयल राजपूत मलून वर्सेज जीएमएस टाइगर पधारो साथ, जिसमें जीएमएस टाइगर जो विन हुई थी प्रेम सिंह जी पधारो, जिन्होंने 35 रन की योगदान से पारी खेली थी पधारो। इसके बाद में जीएसएम टाइगर वर्सेज सागर बॉयज कामा के बीच में, जिसमें सागर बॉय कामा विन हुई थी मिस्टर विक्रम सिंह पधारो। टाइम बहुत कम है अपने पास। थाने वाली इस वर्ष बीएमडब्ल्यू टाइगर, जिसमें बीएमडब्ल्यू टाइगर विन हुई थी, और मैन ऑफ द मैच गोज फ्रॉम नाहर सिंह। ये शायद तीसरा इनको है ना, नाहर सिंह जी तीसरा खिताब है, ज्यादा ट्रॉफी बांटो मने दे जोरी।
बहुत बहुत धन्यवाद, कीप इट अप, ऐसा ही समाज के लिए खेलते रहो। और मैं तो चाहता हूँ नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचे आप, ये माँ भगवती से माँ चामुंडा से कामना करता हूँ। बिल्कुल, बीएमडब्ल्यू टाइगर वर्सेज सागर बॉय कॉमा, जिसमें बीएमडब्ल्यू टाइगर विन रही थी, मिस्टर विक्रम सिंह जिन्होंने 57 रन का योगदान दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो विक्रम सिंह। और बेतिन घोषणा जो टूर माते हुई थी वह कटेगी क्या? टूर माते ले जाइए टीम स्पॉन्सर। हाँ सर, टुमारो नाम लग जो मैं भी आवेला। हाँ सर, विनर टीम भवन सिंह जी से भी पूछेंगे और अगली टीम सागर भाई कामा से भी पूछेंगे कहाँ लेके जा रहे, हमारा भी नाम लिखना, गोवा जाए के कहाँ जाए। बिल्कुल, ये तो हो गया सर। बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज। बिल्कुल, अभी टाइम आ गया है बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। एनी गाइस टू गो टू प्राइस, एनी गाइस अनुमान लगा सकता है किसको जा सकता है? मैन कौन सा बैट्समैन? सागर नहीं, बेस्ट बैट्समैन। हाँ, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज कौन कौन? विक्रम सिंह सागर बॉयज कोमा, इन्होंने 90 रन बनाए हैं, 7 पारी खेली है। पधारे विक्रम सिंह जी, इस टूर्नामेंट का बेस्ट ऑफ बेस्ट मैन गोल टू प्राइज मिस्टर विक्रम सिंह सागर बॉय कोमा। कम फर्स्ट एंड टेक योर प्राइज। इसके बाद में इस टूर्नामेंट का जो अपनी फिरकी वाली गेंद डालकर सभी खिलाड़ियों को चक्का जाम कर दिया है, ऐसे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज गोज फ्रॉम मांगू सिंह फ्रॉम सागर बॉयज कामा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब ठाका ला गया मैं, देखो इसके बाद तो मेरे को तो पूरी रात जागना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पधारिये साहब मांगू सिंह जी। अभी टाइम आया है गोल टू प्राइज फ्रॉम टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज। सबसे बड़ा प्राइज होता है प्रतियोगिता का जब वो होता है मैन ऑफ द सीरीज। एनी गाइस, और इनका पॉइंट स्कोर था 252। आइए, और मैन ऑफ द सीरीज में हमारे सभी समाज के बंधुओं द्वारा श्रीमान कोक सिंह जी भामाशाह, हमारे उद्योगपति युवा नेता, उन्हीं के साथ में हमारे संस्था के सह सचिव खेम सिंह जी, उत्तर साहब भगवत सिंह जी और भवन सिंह जी और पूरी टीम के हाथों से मैन ऑफ द सीरीज हमारे मान सिंह जी को दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इंतजार खत्म हुआ है, अभी मंच पर सिर्फ दो बड़ी ट्रॉफी मंगाई है। मैंने पहले ही कहा था कि आयोजन कमेटी ने ये अमेरिका से मंगाई है, सुबह ही मुंबई में लैंड हुई है ये चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए। विक्रम को बुलाओ, 50 पर खेमसा सांगट की ओर से 5100 और सोन सिंह जी गांवड़ा के 5100 इनाम। बिल्कुल विक्रम सिंह फ्रॉम बीएमडब्ल्यू, आपने जो 50 बनाई थी उसके लिए 5100 रुपया श्रीमान खेम सिंह जी की ओर से और 2100 रुपया सोहन सिंह जी गांव गुड़ा पधारी और आपके इनाम की राशि ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपने तो दारो सुधरियो साहब विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, ये मेहनत है आपकी, आपकी लगन है, आपका खेल है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, रनर टीम के रनर
अभी मंच पर दो बड़ी ट्रॉफी बची है जिसके लिए मैंने पहले ही उद्घाटन में कहा था कि समाज की 20 टीमें, लेकिन वही दो टीम हीरो बनेगी जो अच्छा खेल खेलेगी। निर्मल सिंह जी कड़िया जहां कहीं भी हो मंच पर संपर्क करें कि अच्छा खेलेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसके खेमे में जाएगी, सबने अच्छे खेला, लेकिन वो दो टीमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेला। और मैं सबसे पहले रनर टीम को आमंत्रित करना चाहूंगा, मिस्टर पूरी टीम सागर भाई कामा। पता है सागर भाई पूरी टीम के साथ में, स्पॉन्सर के साथ में, कोच के साथ में, अपने पूरे 15 खिलाड़ियों के साथ में। सर ये नीचे नीचे हाँ, ये कल पेपर में आएगा, थोड़ी मुस्कान रखना भाई साहब। हाँ, और मैं भगवती से कामना कराऊंगा कि अगले टाइम आप इससे भी बेहतर खेले। हेलो चिक श्री राम जय राम। हाँ, और ट्रॉफी के लिए मैं हमारे समाज के जितने भी समाज बंधु है साथ में, अध्यक्ष साहब कुक सिंह जी, भवर सिंह जी, और हमारे महासंजीव खेम सिंह जी, और भाई साहब पूरी टीम आकर हमारे आज के उप विजेता टीम रनर अप टीम सागर भाई कामा को प्राइज दे। पूरा टीम बता रही है आ गई। आइए सर आप भी आइए। ये सुनहरा पल, ये यादगार आज से 20 साल के बाद भी देखेंगे तो ये पहले उप विजेता ना। हाँ, पहले रनर अप टीम उप विजेता टीम सागर भाई कामा। फोटो सेशन के लिए उप विजेता बहुत सुनियोजित तरीके से आप बैठेंगे, कोई घाय नहीं है। इसके बाद समाज के गणमान्य बंधु पीछे की साइड बैठेंगे, ए सब खड़े रहेंगे। हाँ, सारे प्लेयर्स बैठ जाएंगे, बहुत व्यवस्थित, कोई घाई नहीं करना है, ये यादगार फोटो रहेगी। आइए ना कुक्षित जी, और इनको तो हाँ बुलाएंगे बाद में। हाँ, इनको बुलाते हैं। अरे हटे पा बेवड़िया बेटा, आगे नीचे है। हाँ, नीचा नीचा आवदन आप उधर रहता है। थोड़ा नीचे बेवार हो, आप एक एक निवेदन है सभी युवा साथियों से कि अगर फोटो सेशन अगर बेस्ट लेना है तो प्लेयर्स यहाँ बैठते हैं। सुनिए ना बानू जी, हो जाएगा। हाँ, अरे यहाँ बैठा दो ना यार, वहां पे लाइटिंग नहीं है, समझो बात को। फ्लैश है, समाज के गणमान्य बंधु आ जाएंगे, कवर करोगे, बताइए कैसे करना है। आप लेने वाले गणमान्य बंधु के हाथे आपको दी जाएगी, आपको स्वयं को लेनी नहीं है। आप सागर जी, अरे आपको गणमान्य बंधुओं से दी जाएगी क्या? अरे अरे ऐसे क्या है, आप बैठो ना। हाँ हाँ वही तो कर रहे हैं। एक किसी का चश्मा मेरे पास लेके आए गोल्ड कलर का, अगर किसी का हो तो देखना चश्मा मेरे पास है गोल्ड कलर का। अरे इस प्रकार क्या कर रहे हो यार, सबका कवर नहीं होगा, किसी बंधु का चश्मा गिर गया है जो मेरे पास है, अगर किसी का हो तो ले जाना। नहीं वो अपने काम का नहीं, नंबर का है। मैं तो बोलता हूं अगर आगे बैठ गए होते अपन ऊपर आ जाते थे, बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती थी।
सब लोग तो मुश्किल आएंगे यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये बंधु यहां आ जाते थे, कहां पे नहीं आ पाएंगे, मेरे को पता है ना। अरे रुको, एक काम बच्चा बटे ऊपर फोटो पास आओ तो। हाँ अभी हाँ सभी ट्रॉफी से। ओ सागर साहब, सागर भाई जी आओ, आप बच्चे लोग यहाँ बैठिए, गणमान्य व्यक्ति मंच में आएंगे, बहुत अच्छी फोटो आएगी। हाँ आपकी टीम भी एक्सेप्ट करिए पूरी। ये लाइट की साइड में राइट साइड आओ, और राइट साइड, और राइट साइड, और राइट साइड। अरे कुक्सा, हाँ मोहन सा कट गया, मोहन सिंह जी आगे आओ, आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा, आप बता रहा हूँ, मुझे नहीं हो तो आ ले, आप आगे बता रहा हूँ। उसका वो पीछे आओ ना, आप क्यों आगे जा रहे हो, इतना पीछे आओ, कुक सा थोड़ा पीछे आ जाओ, मैंने शेयर करवा दो, नीचे आ जाओ, डब जाओ, एक मिनट मैं नीचे आ रहा हूँ। देखो बच्चे लोग ऐसा है, आपको आपके साथ में पीछे अपने गणमान्य भी है, गणमान्य बंधु थोड़े पीछे हो जाइए, लाइट की वजह से आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, एक मिनट गाय मत करना फोटोग्राफर प्लीज, थोड़ा और पीछे हो जाओ, लाइट की वजह से आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, बस गुड, वेरी गुड, डन 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 डन, बस 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 ठीक है, आप भी पीछे आइए, जब फोटो के सेशन ही करना है आपने को तो बढ़िया करो ना, बस ठीक है ओके। आप थोड़ा आगे आ जाओ, उनको पीछे दे दो, आप आगे आ जाओ, थोड़ा आगे, अंधेरा रहता है वहां पे, आगे आओ ना थोड़ा, इधर आगे आइए सर, आगे ये देखो, हाँ अब ठीक है, हाँ सब एकदम ओके, खाली मैं ही बचा हूं जो कहीं कहीं सेट हो जाऊंगा, ठीक है, पकड़ो मेरे को भी पकड़ो कोई, वारिया वारिया, जय जय श्री राम, जानात की जय, बोलो एकलिंग नाथ की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय, जय जय श्री राम। अभी गणमान्य बंधु आप सबको बहुत बहुत बधाई, उप विजेता को गणमान्य बंधु यथा स्थिति में खड़े रहना है, और इसके बाद हाँ वो विजेता को वही रखेंगे ना, गणमान्य बंधु को यथा स्थिति में अपनी मुस्कुराहट अवस्था में ही खड़ा रहना है। हाँ अब इसके बाद में तैयार रहे, जो इतने दिनों से, चार दिनों से अथक प्रयास कर रहे हैं, क्या उसका अलाउंस किया जाए, अरे विजेता का अलाउंस किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या आवाज ही नहीं आपके, खिलाड़ी कहां सारे सो गए क्या, बोले भारत माता की वंदे वंदे। और जिस घड़ी का चार दिनों से और पिछले दो महीने से इंतजार था, मैं BMW जो फाइनल विजेता रहे उनके लिए जोरदार ताले से उनकी मंच आवे, और फाइनल विजेता प्लीज कम टू मंच, जिसे खरीदी वहां पे आवे नीचे की साइड, भवर सिंह जी बातें बुरा, भारत माता की जय, जवान जय जवान। सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एंड अभिनंदन। अगली कड़ी में मैं बोल रहा हूं, हमारे विजय की ट्रॉफी समाज के HRPL नींव रखने वाले युवाओं के साथ प्लेटफॉर्म के साथ देने वाले हल्दीघाटी राजपूत युवा सेना के निवर्तमान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष श्रीमान जी लाल सिंह जी और वजय सिंह जी, जो अपने समाज के सबसे बुजुर्ग मानो या अतिथि मानो, उनको भी मेरी टीम के साथ आप मंच पे पधारे और फोटो ले। जय 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 श्री राम, भारत माता की जय, जवान जय।
बोल रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल अभी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं 2024 आचार बिल की विनती फॉर BMW। आइए पूरी BMW टीम और साथ में पूर्व युवा अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह जी तलोदरा, आप भी पधारो साहब, तलोदरा सॉरी, हाँ, और उनकी पूरी टीम। क्या मुस्कान है भवन सिंह जी, क्या प्लानिंग की है गोवा जाने की या फिर और कुछ? बहुत बढ़िया, कीप इट अप। आप सभी को समाज के तमाम ये हसीन पल जिन्हें हमें इंतजार था, जय जय श्री राम। वाह ये पहले ईयर की डिफेंडेबल टीम भी थी। आप कवर कर रहे हो क्या पूरा टीम? बिल्कुल आ जाओ सागर हो रहा पूरा। जय जय श्री राम। बोलिए महाराणा प्रताप की। एक मिनट पीछे बैठे रहिए सर सर सर। सागर भाई काम आप भी आ जाइए, ग्रुप फोटो हो जाए दोनों का, आ जाइए प्लीज। सागर भाई अपनी पूरी टीम को लेकर आए। गायब रहेगी छगन जी, गायब रहेगी आपकी टीम तो टूट जाएगा, नीचे आ जाएगी। सागर भाई अगर हो तो दोनों नीचे ग्रुप फोटो ले लो दोनों टीमों का, अच्छा रहेगा। हाँ और काफी शानदार आयोजन हुआ, यहाँ से अच्छी बातें लेके जाना और जैसे पहले मिलते थे ऐसे भाईचारे से मिलना, कोई मन मुटाव नहीं रखना, बहुत ही अच्छा आयोजन था राजपूत समाज का HRPL Season 5। सागर भाई पूरी टीम लोग को लेकर आ जाए, आपके टीम स्पोंसर का आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ एक सूचना है, एक चश्मा है गोल्डन फ्रेम का, किसी भाई का अगर गिर गया है तो मेरे पास है, मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप यहाँ संपर्क करके ले लेना। गोल्डन फ्रेम का चश्मा है, नंबर वाला है, किसी का अगर खो गया तो ले लेना। जय जय श्री राम। रुको मैं वहां आता हूं, मैं वहां आता हूं। जय शिवा सरकार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरकार की, जय राणा प्रताप की, जय जय श्री राम। मैं आता हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, राणा की जय, जय राणा की जय, जय शिवा की जय, राणा की जय, जय शिवा की जय, जय शिवा की जय, जय जय शिवा सरदार की, हर हर महादेव। बहुत अच्छा आयोजन हुआ, अभी फिर मिलेंगे 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला और इस समाज के इस प्रोग्राम को, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, विक्रम को बुलाओ, विक्रम, विक्रम BMW आपकी राशि लेके जाए और दोनों टीम ऑनर से सागर भाई, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाना बिल्कुल, खाना चालू है, खाना खा के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद लोसा, खाना
चालू है, खाना खा के जाए सभी जन। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता जी री, जय जय श्री राम। चलो सर, आप सबने राम राम, जय माता जी री। मैं भरत सिंह राज पुरोहित सिरोही, आपके बीच में चार दिन आप सबने जय माता जी करना मौका मिलो। अरे जान अनजान में कोई शब्द निकलियो तो माफ कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान, जय मेवाड़। धन्यवाद सर।